क्यूबेट के बारे में मेरे को लिंक्डइन से पता चला। मतलब पहले तो मैं गूगल पर सर्च कर रहा था जहाँ से मैं इंटर्नशिप के बारे में पता करूँ, तो वहाँ पे मेरे को क्यूबेट के बारे में गूगल से भी पता चला। उसके बाद जब मैं जनरली लिंक्डइन पर ज़्यादा एक्टिव रहता था, तो लिंक्डइन पर मेरे को पोस्ट मिला जहाँ पे कुछ बच्चे जो थे बता रहे थे कि एक क्यूबेट ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है लोगों को। एंड जब मैं अपना प्रोफाइल बनाया तो मेरे को भी ऐसा आया कि कंपनी से रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है यहाँ पे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक खास ही बात यह है कि जब कोई भी अप्लाई करता हूँ ना तो रिस्पॉन्स आता है। और मैं एक एक्सीडेंट बताता हूँ। मतलब जब मैं नौकरी पे अप्लाई कर रहा था ना, तो वहाँ पे अप्लाई तो हो गया, पर उसके बाद फेक कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। एंड फेक इंटरव्यू के लिए मैं गया, वहाँ पे पैसा भी मैं दे दिया अपना। मतलब मेरे को कुछ इंटरव्यू के लिए चार्ज किए वो लोग, एंड बाद में मालूम चला कि अब फेक था पूरा। तो वहाँ पे पैसा भी मेरा चला गया, इंटरव्यू भी मतलब हुआ नहीं। सबसे जो मेन पार्ट है यहाँ पे है प्रोफाइल बनाना। ठीक है, एक बार प्रोफाइल बना लिया तो उसके बाद जो होता है कि कंपनी को जनरली रिज्यूमे भेजना नहीं पड़ता है हमेशा, हर कंपनी को। यदि कोई कोई एक आध दो स्पेसिफाई करती है, मांगती है, तो देना पड़ता है। एंड या मैं जो मेन पार्ट था यहाँ पे प्रोफाइल बनाना, उसमें प्रोजेक्ट डालना। हाँ, मेरे को जहाँ पे लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वो चीज़ें यहाँ पे मतलब इम्प्रूव होते चली जाती है। क्योंकि पहले सोचता था, पहले जब मैं था तो केवल इंटर्नशिप यहाँ पे थी, चाहता था कि जॉब भी आएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जॉब मतलब भी आ ही गया। उसके बाद फिल्टर फंक्शनलिटी नहीं था इसमें, तो वो भी आ गया कि नॉन टेक एंड टेक फिल्टर फंक्शनलिटी चाहिए, वो भी आ ही गया। तो मतलब टाइम के साथ बहुत सारा चीज़ इसमें इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे, मैं दिखा हूँ। और शुरू में था कि मैं क्यूबर्ट को उतना होता ना सीरियसली नहीं ले रहा था। मतलब जस्ट एक प्लेटफॉर्म पे इनरोल कर लिया था, बट बाद में मेरे को मतलब जब रिस्पॉन्स आने लगा ना, तब मेरे को विश्वास बढ़ गया कि यहाँ से हो सकता है कुछ।